आपको ये डायलॉग तो याद ही होगा, तो क्या लड़का अभी कुछ भी नहीं कमाता, कमाने का क्या है। मौसी जी कमाता तो है लेकिन जुए में हार जाता है। पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के ये डायलॉग हर किसी को याद होंगे। इस फिल्म में बसंती की मौसी को शायद ही कोई भूल सकेगा। जहां आज छोटो कपड़ों और इंटीमेट सीन फिल्मों की डिमांड बताया जाता है, वहीं शोले की मौसी जी ने अपने सालों के करियर में कभी सिर से पल्लू तक नहीं हटने दिया। फिल्म शोले ने लीला की मौसी के रूप में घर घर मशहूर कर दिया। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री लीला मिश्रा का जन्म 1908 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली के शहर में हुआ था। लीला जब 12 साल की हुई तो उनकी शादी राम प्रसाद मिश्रा से कर दी। वो साइलेंट फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट थे। राम प्रसाद जब मुंबई आए तो लीला को भी साथ में ले आए। अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्में करने वाली लीला मिश्रा ने करियर की शुरुआत 40 के दशक में की थी। पहली फिल्म के लिए उन्हें 500 रुपए मिले थे। लीला मिश्रा बेहद खूबसूरत अभिनेत्री थी लेकिन उन्होंने कभी भी कोई लीड रोल नहीं निभाया। ऐसा नहीं था कि उन्हें लीड रोल ऑफर नहीं हुए बल्कि उन्होंने करने से ही मना कर दिया था। इसके पीछे की वजह कही जाती है लीला मिश्रा को पराए मर्दों को छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और यही वजह थी कि वो हमेशा ही माँ, मौसी, नानी और चाची वाले किरदारों में ही नजर आती थी। लीला मिश्रा को आज भी चश्मे बद्दूर, प्रेम रोग, शोले, अवारा, प्यासा, नदिया के प्यार, परिचय, सौदागर, माँ का आंचल, जय संतोषी माँ, बैराग जैसी कई फिल्मों के लिए जाना जाता है। पर्दे पर हमेशा माँ और मौसी का किरदार निभाने वाली लीला मिश्रा असल जिंदगी में 17 साल की उम्र में ही माँ बन गई थी और 18 साल की छोटी उम्र से ही वो ऑन स्क्रीन माँ का किरदार निभाने लगी। फिल्म साइन करने से पहले इस अदाकारा की एक ही शर्त होती थी कि किसी भी हालत में सिर से पल्लू नहीं हटाएंगी। घूंघट में रहने वाली ये शानदार अदाकारा लोगों के दिलों पर राज करती रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस लीला मिश्रा की। लीला ने हमेशा अपने करियर में माँ, चाची, नानी और मौसी जैसे रोल निभाए। फैंस उन्हें उनके नाम से कम शोले की मौसी के नाम से ज्यादा जानते हैं। आज हम आपको 5 दशक में 200 से ज्यादा फिल्में करने वाली लीला मिश्रा के जीवन के सभी रोचक बातों से रूबरू करवाएंगे। लीला ने फिल्म चित्रलेखा, रामबाण, शीश महल, अवारा दाग, प्यासा सावन, बहु बेगम और असमर प्रेम जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि फिल्म शोले में मौसी के किरदार ने उनके करियर तक ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। लीला का जन्म 1 जनवरी 1908 में उत्तर प्रदेश के आगरा के जमींदार परिवार में हुआ था। लीला की पढ़ाई लिखाई नहीं हुई और सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उनकी शादी रामप्रसाद मिश्रा से करा दी गई। 18 साल की उम्र में वह 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। रंगमंच से जुड़े रामप्रसाद बेहद आजाद ख्यालों के व्यक्ति थे। वह सिनेमा को काफी पसंद करते थे। वे अक्सर फिल्मों में साइलेंट रोल किया करते थे। एक बार रामप्रसाद के मित्र मामा शिंदे उनके घर आए और उन्होंने लीला को फिल्मों में रोल करने को कहा। लीला ने फिल्मों में रोल करने से तुरंत इनकार कर दिया। हालांकि बाद में पति के समझाने पर वह फिल्मों में काम करने को राजी तो हुई लेकिन उन्होंने फिल्मों में कभी भी सिर से पल्लू नहीं हटाया। लीला ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1936 में आई फिल्म सती सुलोचना से की। उन्होंने इस फिल्म में अपने पति राम प्रसाद के साथ काम किया। इस फिल्म में लीला को हर माह के रूप में 500 रुपये मिलते थे, वहीं उनके पति को महज 150 रुपये मिलते थे। दरअसल उस दौरान फिल्मों के लिए एक्ट्रेसेस जो थी वो बहुत कम मिलती थी। इसके चलते उनके पति से 3 गुना ज्यादा उन्हें फीस दी गई। लीला कोई भी फिल्म साइन करने से पहले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के सामने एक अजीब शर्त रख देती थी। लीला का कहना होता था कि वे फिल्म में किसी भी तरह का कोई रोमांटिक सीन नहीं करेंगी। रोमांटिक सीन तो दूर की बात रही, वो पूरी फिल्म से सिर से पल्लू तक हटाने से इनकार कर देती थी और यही कारण था कि उन्होंने कई रोमांटिक फिल्मों में लीड रोल तक करने से इनकार कर दिया। लीला ने बॉलीवुड नहीं कई भोजपुरी फिल्मों में भी अभिनय किया। 80 साल की उम्र में उनका निधन भले ही हो गया हो लेकिन आज भी वे फैंस के दिलों में अपनी अदाकारी के जरिए जिंदा हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।